हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, जिनके भी पास इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूनिट वाइज आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें सारे जो वो जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट टॉपिक हैं सारे कवर करे गए हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस वाले पार्ट को। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउस प्रॉपर्टी की, मिस्टर एक्स की डिटेल दी गई है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 असेसमेंट ईयर के लिए मिस्टर एक्स की कितनी इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी से, ऊपर दी गई डिटेल से वो आपको निकालनी है। इसका आंसर आएगा आपका 18,900 का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है मिस्टर ए, नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर ए ओन्स हाउस, मिस्टर ए ने का एक घर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या बोला है, फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 इफ़ द हाउस इज यूज्ड बाय असेसी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर इज रेजिडेंशियल पर्पस। अगर मिस्टर ए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हाउस को यूज़ करते हैं तो उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इसका आपका आंसर निकल कर आएगा लॉस ऑफ ₹6,400, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन हैज़ 2 हाउस, बोथ द हाउस आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, रोहन के पास 2 घर हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको हाउस के बारे में, आपको ये बताना है कि उसे कौन सा घर एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करना चाहिए और कौन सा घर उसका डीम्ड लेट आउट माना जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका हाउस सेकेंड शुड बी चूजन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 4, मिस्टर ओन एक्स ओन 3 हाउसेज, यहाँ पर 3 नहीं 2 ही हाउस आएगा, मिस्टर एक्स के पास 2 हाउस हैं, आपको कैलकुलेट करना है कॉम्प्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15, इनके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी ये निकालनी है। तो फर्स्ट हाउस से होगी 84,000, सेकंड से होगी 67,600 की, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है मिस्टर रमेश हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टी, रमेश की 2 हाउस प्रॉपर्टी है, आपको इसमें कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी आपको कैलकुलेट करनी है दोनों हाउसेस की। तो मुंबई वाले की आएगी 46,500 और दिल्ली वाले की 2,07,500, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है राहत ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, राहत का एक घर है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। तो इसमें आपका लॉस आ जाएगा 13,100 रुपीज़ का। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन, मिस्टर विनय ओन्स 4 हाउस, मिस्टर विनय के 4 हाउस है, चारों के बारे में आपको डिटेल दी गई है, फाइंड आउट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी टोटल ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसकी टोटल इनकम होगी 71,000 की, फर्स्ट हाउस से निल इनकम होगी, सेकेंड से 33,200 की, थर्ड से 32,200 की और फोर्थ हाउस से 5,600 की इनकम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टर गणेश ओन अ कमर्शियल बिल्डिंग हुज कंस्ट्रक्शन गॉट कम्प्लीटेड, मिस्टर गणेश के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको कंप्यूट इनकम फ्रॉम हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश, तो इसकी हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम होगी वो कैलकुलेट करनी है आपको। तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 68,400 का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी वाली यूनिट के अंदर से। होप्स आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।